और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं। देखिए गांवों में सार्वजनिक शौचालय न होने के कारण कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम शादी ब्याह के कार्यक्रम गांव में होना बड़ी कठिन कठिन कार्य था, लेकिन हर गांव में सामुदायिक शौचालय बनाए जा रहे हैं, हर गांव में ग्राम सचिवालय बनाए जा रहे हैं। एक ग्राम सचिवालय का तो काम करेंगे ही करेंगे, ग्राम सचिवालय के साथ साथ गांव में बैंकिंग सुविधा का लाभ भी देंगे और गांव में ही जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र की सुविधा भी देंगे। तमाम एक एक ग्राम सचिवालय को 3 से 5 नौजवानों को नौकरी देने की सुविधा हर गांव में हम देने की कार्रवाई कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा जिन गांव में पंचायत भवन अब तक नहीं बन पाए हैं, जमीन वहां की तत्काल उपलब्ध करवाइए, सरकार वहां पर तत्काल ग्राम सचिवालय का निर्माण करके ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ेगी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे गांव के लोगों को बैंकों में लाइन लगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव के अंदर ही ग्राम सचिवालय से ही अपना पैसा निकालने या पैसा जमा करने की सुविधा वहीं पर देने की बृहद कार्य योजना को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत के लिए जहां पे ग्राम पंचायत भवन नहीं, वहां पे हमने एक एक ग्राम सचिवालय स्वीकृत कर दिया है। ये प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के अंतर्गत ये सुविधाएं हर एक ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने की कार्रवाई तेजी के साथ चल रही है। हमें इन योजनाओं का लाभ देना चाहिए, इन योजनाओं का लाभ देकर के हम लोग तमाम नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ करके, उन्हें आत्मनिर्भर भारत के इस अभियान के साथ जोड़ करके गांव को भी स्वावलंबी बना सकते हैं। गांव में ही ढेर सारे भी योजनाएं चल सकती है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शासन उत्तर प्रदेश सरकार की योजना देश के अंदर एक अभिनव योजना बन चुकी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से गांव के जो हमारे हस्तशिल्पी थे, कारीगर थे, जो गांव में गांव की व्यवस्था को जिन्होंने कभी आत्मनिर्भर बनाया था, एक कालखंड में उन्हें उपेक्षित कर दिया गया, आज उन्हें फिर से ट्रेनिंग देने, उन्हें स्किल मिशन के साथ जोड़ने, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने और फिर उन्हें बैंकों से लोन देने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये जितने भी कार्यक्रम हैं, ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक स्वावलंबी और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करना है तो गांव को समृद्ध करना पड़ेगा, गांव को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। और गांव को जो आत्मनिर्भर नहीं बनने न बनने देने के मार्ग में सबसे बड़े घोड़े थे, वे लोग आज तमाम प्रकार की भ्रम स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे लोकसभा चुनाव में हम जब आए थे बाबा के यहां प्रचार में, उस समय आपने देखा होगा कांग्रेस उस समय राफेल चिल्ला रही थी, और आज जब राफेल भारत के अंदर आ गया तो चीन भी थर्रा रहा है। यह है भारत की ताकत, यानी वे नहीं चाहते कि भारत सुरक्षा के मामले में, रक्षा उत्पादन के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो, और इसलिए भारत को बदनाम करने की उस समय साजिश रची जा रही थी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले, और यही कार्य आप क्यों कर रहे हैं। किसान चिल्ला रहे, किसानों का सबसे अधिक शोषण तो इन लोगों ने किया, किसान को कभी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य इन लोगों ने नहीं दिया, किसानों को बिचौलियों से जकड़ करके सुविधाओं से वंचित करने का कार्य लोग करते रहे, और जब किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने संसद में बिल पास करके आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करने और लागत का दुगना दाम देने के लिए 3 बिल संसद में पास करवाए, तो आज कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलकर के किस प्रकार का हायतोभा मचाए हुए हैं, उन्हें मालूम होना चाहिए संसद में पारित होने वाले 3 बिल किसानों की आमदनी को दुगना करने, किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने, वन नेशन वन मार्केट की परिकल्पना को साकार करने, और किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेचेगा मंडी के बाहर उस पर कोई मंडी शुल्क नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी दे रहा है। लेकिन ये लोग जो अब तक बिचौलियों के कारण किसानों को जकड़ करके उन्हें लाभांश से वंचित करते थे, वे लोग चिल्लाहट मचा करके, गुमराह करके, अनावश्यक रूप से देश के माहौल को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को तो इन लोगों को तो ये
विघ्न बाधा पैदा करने का प्रयास करते हैं और उस विघ्न और बाधा को दूर करने के लिए समाज को जागरूक होना पड़ेगा और उस जागरूकता के ही क्रम में आज मुझे बागर मोह में आप सबके बीच में आना पड़ा है। मैं आभारी हूं यहां के सभी मान्य जनप्रतिनिधियों का, उन्नाव का, इसलिए भी आपने विधानसभा अध्यक्ष दिए, आपने यहां पर सांसद बने दिए हैं, आपने यहां पर सभी विधायक और सभी जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। यह स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व बनता है विकास से, कहीं भी विकास से आपका यह जनपद वंचित नहीं होने पाएगा, यह आश्वासन देने के लिए आज मैं आपके पास फिर से आया हूं। जो भी प्रस्ताव शासन के पास आएंगे, शासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन कार्यक्रमों को संपन्न करके विकास को एक नए आयाम तक पहुंचा करके उन्नाव जिस विकास का हकदार था और विकास उन्नाव तक मिलना ही चाहिए, ये मैं आपको आश्वासन देने के लिए आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, केंद्र और प्रदेश सरकार प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाने, उसके जीवन को समृद्धशाली बनाने और भारत को सशक्त बनाने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सबको मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनना चाहिए, तनिक भी उन भावनाओं में नहीं बहना चाहिए जो हमें कुछ निहित स्वार्थी तत्व बहकाने का प्रयास करते हैं। वे तमाम माध्यम हो सकते हैं, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। आज बेरोजगार है जो कुछ दलाली चलती भी थी और सरकार ने बंद करवा दी है, तो स्वाभाविक रूप से कुछ तो करेगा, तो उसके पास गुमराह करने का और अनावश्यक रूप से माहौल खराब करने के अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं बचा है। हम एक अपनी ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक दिशा में करें और सकारात्मक ऊर्जा का उपयोग जिससे आपके गांव का, आपके विकास खंड का, आपकी तहसील का, आपकी विधानसभा का, आपके जनपद का विकास हो सके और विकास न केवल आपको बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी लाभान्वित करते हुए गौरवान्वित कर सके, इस दिशा में निरंतर चलने वाली विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करने के लिए आज आपको आश्वस्त करने के लिए मैं यहां पर विशेष रूप से आया हूं। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी का, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान मैंने उनको स्वयं कहा था, मैंने कहा अध्यक्ष जी आप कोरोना के दौरान कहीं निकलिएगा मत, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष निकलेंगे तो अन्य लोगों को रोकना भी दिक्कत होती है, और आज वे स्वयं भी इस मंच पर आए। मैंने उनसे आग्रह किया था, मैंने कहा आपके कार्यक्रम में रहेंगे क्योंकि पूरे जनपद की योजनाओं का है और साक्षी जी महाराज भी बाहर थे। मैंने विशेष रूप से आग्रह करने के लिए कहा था कि साक्षी जी महाराज भी रहेंगे, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष जी भी, हमारे सभी माननीय विधायक जो लगातार विकास के लिए भी यहाँ पर प्रयास करते ही हैं, साथ साथ यहाँ पर जनपद में जिन्होंने सेवा के एक अद्भुत मिसाल कोरोना कालखंड में प्रस्तुत की, मैं उन सभी संगठनों, संस्थाओं और नागरिकों का मैं अभिनंदन करूंगा जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान यहां पर सेवा की एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की और सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक अद्भुत मिसाल प्रस्तुत की। उन्होंने उस समय कहा हमारे लिए सेवा ही संगठन है, यानी संगठन का मतलब सत्ता प्राप्त करना नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्लोगन ही बदल दिया, उन्होंने कह दिया हमारे लिए सेवा ही संगठन है और संगठन को सेवा के कार्य का नुकसान की चिंता नहीं। मैं देख रहा था हमारे कार्यकर्ता जब लॉकडाउन के दौरान आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भारी संख्या में जब कामगार और श्रमिक आ रहे थे अपने अपने जनपदों के लिए, तो कोई कार्यकर्ता जो नंगे पैर चल रहे थे उनके पैरों में चप्पल पहनाने का कार्य कर रहे थे, कोई कार्यकर्ता गर्म पानी से उनके पैरों को धो रहा था, कोई भोजन का पैकेट उन्हें उपलब्ध करा रहा था, कोई दवा की व्यवस्था कर रही थी। अपनी स्वयं की परवाह के बगैर सेवा कोई संगठन के रूप में ढालने का कार्य जिन कार्यकर्ताओं ने किया है
उन सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं, जनता जनार्दन का मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पूरे धैर्य के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर कोरोना की इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए अपना योगदान दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबका आह्वान करूंगा, अभी हमारे सामने आगामी छह महीने हमारे बीत चुके हैं, लेकिन अगले छह महीने हमारे लिए अभी इसी प्रकार से चुनौतीपूर्ण बने रहेंगे। हम लोग चार चरण के लॉकडाउन के बाद चौथे चरण के अनलॉक में हैं। हमें आर्थिक गतिविधियां जनजीवन को सामान्य बनाने के लिए चलानी पड़ रही है, ये चलाना भी पड़ेगा, लेकिन हमें सावधानी हर स्तर पर रखनी पड़ेगी, हर एक स्तर पर रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना का सबसे आसान शिकार लापरवाही, जो लापरवाह हुआ वो उसकी चपेट में आ जाएगा, और इसलिए प्रयास होना चाहिए हर एक स्तर पर बचाव का। प्रधानमंत्री जी ने जो स्लोगन दिया, दो गज की दूरी और मास्क जरूरी, हम इसका पालन जरूर करें। अगर बीमारी आ जाती है हम जांच करने में संकोच न करें, अगर कोविड पॉजिटिव आ जाता है और व्यक्ति पहले से ही किसी बीमारी की चपेट में है, कमजोर इम्यूनिटी का है, बुजुर्ग है, गर्भवती महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, तत्काल उन्हें हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए, तत्काल हॉस्पिटल प्रशासन को सूचित करके हॉस्पिटल में चले जाएं, और किन किन लोगों के संपर्क में वे थे उसकी जानकारी प्रशासन को प्राप्त करवा दें। मुझे लगता है लड़ाई व्यक्ति की नहीं देश की है, देश की लड़ाई का मतलब हर एक नागरिक की सहभागिता, और हम लोग प्रत्येक नागरिक को इसके प्रति जागरूक कर लेंगे। आगामी छह महीने लगभग अभी पिछले एक सप्ताह से काफी अच्छे दिशा में हमारे पास सामने परिणाम आए हैं, जो मैंने आपको बताया है कि पिछले छह महीनों के दौरान, पिछले आठ दिनों के दौरान 15,000 मरीज कम हुए हैं, एक्टिव जो केस थे वे कम हुए हैं, क्योंकि तेजी के साथ सुधार हो रहा है और मरीजों की संख्या तेजी के साथ कम हो रही है। लेकिन सब के बावजूद सावधानी आवश्यक है, हम इसका पालन करते हुए अपने जितने भी हमारे आर्थिक गतिविधियां हैं, सामाजिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों को उसके साथ जोड़ करके देखेंगे। ये मैं आप सबका आह्वान करूंगा, बागरमऊ विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपके साथ खड़ी है, जनपद उन्नाव के साथ खड़ी है, इस लोकसभा क्षेत्र के साथ खड़ी है, विकास में कहीं भी कोई उपेक्षा, कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको कहीं कोई किसी भी स्तर पर विकास के पैमाने पर आप कहीं भी अपने को विकसित महसूस नहीं करेंगे, यही आश्वासन देते हुए मैं एक बार फिर से जिन महापुरुषों के नाम पर आज हम लोगों ने यहां पर नामकरण किए हैं उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन महापुरुषों का की प्रेरणा हम सबको निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचन से यहाँ पर जो आपकी उपस्थिति है जनसमूह में एक उत्साह वर्धन किया है, और इस उत्साह और प्रेरणा को ये जनप्रतिनिधि जनसमूह जब यहाँ से लेकर के जाएंगे तो बागरमऊ उन्नाव का एक नया इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री रविंद्र कुमार जी, जिलाधिकारी उन्नाव। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आप